तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, जैसे अकाउंट ऑफिस वाले आर्टिकल ब्यू स्लिप पे चढ़ा के हमें भेजते हैं, क्या हम भी जो हमारे पास आर्टिकल बुकिंग हुए हैं और जो हमने आर्टिकल रिटर्न किए हैं, हम भी उसे हमारे क्लोज रिपोर्ट पे चढ़ा के भेज सकते? अगर हमने वो आर्टिकल हमारे बैक क्लोज रिपोर्ट पे चढ़ा के नहीं भेजे तो हमारे डिवाइस में वैसे ही पेंडिंग रहेंगे। अब 8 दिन के बाद भी फेच आर्टिकल करेंगे तो वो आर्टिकल के नंबर हमें वहाँ पे शो होंगे। तो आइए जानते हैं, हमारे पास जो आर्टिकल बुकिंग हुए हैं और जो हमने आर्टिकल रिटर्न किए हैं उसे बैक क्लोज करते समय कैसे चढ़ा के भेजें। उसके लिए हमें हमारी बैक क्लोज करनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा डेल ऐप में। तो हम कर देते हैं डेल ऐप पे क्लिक। ये हमारी डेल ऐप ओपन हो रही है। जैसे ही हमारी डेल ऐप ओपन होगी हम जाएंगे बैक क्लोज के इस हेड में और यहाँ पे हमें करना है सबसे पहले फेच आर्टिकल पे क्लिक। अगर हमने डायरेक्ट स्कैनर के सिंबल पे क्लिक करके आर्टिकल स्कैन किए तो हमें एरर आएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले करना होगा फेच आर्टिकल पे क्लिक। फोर आर्टिकल फेच फॉर डिस्पैच, हमारे पास 4 आर्टिकल है जो हमें बैग में भेजने हैं। अब हमें करना है स्कैनर पे क्लिक और यहाँ पे जितने आर्टिकल है उतना नंबर डाल के ओके करना है। उसके बाद हमारे स्कैनर में से साउंड आएगा। जैसे ही हमारे स्कैनर में साउंड आएगा हम आर्टिकल को स्कैन करके यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। एक हमारा आर्टिकल रिसीव हो गया, रजिस्टर आर्टिकल, टोटल रिसीव आर्टिकल 3, टोटल रिसीव आर्टिकल 4, ये हमारे आर्टिकल रिसीव हो गए हैं। उसके बाद हमें करना है ओके। अब हमें करना है बैग बारकोड को स्कैन करना है। उसके लिए हमें स्कैनर के सिंबल पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे स्कैनर में साउंड आएगा तो हम वो जो लेबल पे बारकोड है उसे स्कैन कर सकते हैं। ये हमारा लेबल का नंबर यहाँ पे आ गया है। इसके बाद हमें करना है बैग क्लोज पे क्लिक। जैसे ही हमारी बैग क्लोज होगी हमारे डिवाइस में से एक प्रिंट बाहर आएंगी। हमने जो आर्टिकल आज चढ़ा के भेजे वो आप देख सकते हैं, आर्टिकल इन बैग 4, वो आर्टिकल के नंबर भी यहाँ पे आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह आपको फेच आर्टिकल करके अपने क्लोज रिपोर्ट के साथ इन आर्टिकल को चढ़ा के भेज सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।